अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो यूजुअली पुणे एंड मुंबई में चला जाता है। एंड नागपुर में क्या मिलता है? नागपुर में मिलता है छिछड़ा। छिछड़ा मतलब कैसा? सब छोटा छोटा जो बच जाता है ना वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद क्या है, ये जो पॉलिटिक्स जो चल रही है वहाँ पे जो जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दे आर ग्रोइंग। पुणे एंड मुंबई आर ग्रोइंग। नागपुर सेकेंड कैपिटल है हमारे महाराष्ट्र का, एंड बट फिर भी उसमें जो चीज़ ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो मेरे पास में कुछ चीज़ें सॉल्यूशन है, मैं कई सारी चीज़ों में काम कर। आखिर क्या बात है कि नागपुर शहर के नौजवान अपना शहर छोड़ के मुंबई, पुणे, हैदराबाद और दिगर शहरों में जाके जॉब करने के लिए मजबूर है। काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है लेकिन इसके बावजूद अमेज़न, उबेर और दिगर डिलीवरी कंपनी जो भी है वहाँ जॉब करने के लिए मजबूर है। नागपुर शहर के हर्षल भाई इस वक्त हमारे साथ है। नागपुर का मुद्दा नामी इन्होंने एक पेज बनाया है और मिहान के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि नागपुर के नौजवान संविधान चौक पे मिहान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? जवाब है नहीं। लेकिन हर्षल भाई का हम हार्दिक स्वागत करते अपने चैनल पे कि उन्होंने मिहान के इस मुद्दे को छेड़ा और काफ़ी इन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है नागपुर के युवाओं से और दिगर शहरों के युवाओं से। देखिए मेरा मेन मकसद कैसा है मालूम है क्या? मेरा मिहान मेन मकसद नहीं है, आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मेरा मकसद जो है ना वो है पे स्केल। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है पे स्केल का, सैलरीज कम है, ठीक है। सैलरी इसलिए सैलरी कम रहेंगी तो हमारा जो डेवलपमेंट मेन जो होना है बिजनेस वाइज में भी प्रॉब्लम जा रही है, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ पा रही है। क्योंकि कैसा है, जब जॉब वालों को अच्छा पैसा आएगा तभी वो स्पेंड करेंगे, जब स्पेंड करेंगे तभी पैसा आएगा। एंड हमारे पास में एक बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है अभी महाराष्ट्र में, ठीक है। मेरा मेन मकसद आप समझना चाहते हैं तो मेरी एक बात को आप छोटे इसमें समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो यूजुअली पुणे एंड मुंबई में चला जाता है। एंड नागपुर में क्या मिलता है? नागपुर में मिलता है छिछड़ा। छिछड़ा मतलब कैसा? सब छोटा छोटा जो बच जाता है ना वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद क्या है, ये जो पॉलिटिक्स जो चल रही है वहाँ पे जो जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दे आर ग्रोइंग। पुणे एंड मुंबई आर ग्रोइंग। नागपुर सेकेंड कैपिटल है हमारे महाराष्ट्र का, एंड बट फिर भी उसमें जो चीज़ ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो मेरे पास में कुछ चीज़ें सॉल्यूशन है, मैं कई सारी चीज़ों में काम करता हूँ। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो इकोनॉमी से काफ़ी सारी रिलेटेड मैं चीज़ों पर काम करता हूँ। एंड फिलोसॉफीज पढ़ता हूँ, फिलोसोफर लोगों को पढ़ना पसंद करता हूँ मैं, तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों को भी समझना पसंद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है। मैं कोई भी गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 20 साल में जो गवर्नमेंट गई है वो लोग उस सत्ता में नहीं बैठे थे, तो मैं आज उनको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि भाई ये बीजेपी ने किया या कांग्रेस के नेताओं ने किया, ऐसा किया। दे आर फ्रेश, हमें उनको मौका देना चाहिए। एंड मैं एक मेरे पास में एक बहुत छोटी चीज़ है, देखिए मिहान के बारे में, मिहान तो वर्क करेगा जैसा करना होगा, मुझे ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं है क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। कोई भी चीज़ अगर जो रुकती है बार बार, अगर आपकी गाड़ी हो और पहले साल में अगर वो गाड़ी कहीं निकल रही है और समझ लीजिए आप एक आध साल में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप कहीं बाहर दूर ले जाने के लिए आप डरेंगे, सही बात है ना, लंबा ट्रैवल करना है। तो क्या होता है, जो एक बार गाड़ी चल चुकी है मिहान की, इसमें ब्रेक लग चुकी है 2-3 बार, तो जो भी बड़ी कंपनीज आती है ना वो ग्रोइंग सिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है, ना कि रुकी हुई सिटीज़ में। मिहान जो है एक रुका हुआ पोर्शन है गवर्नमेंट का, 20 साल हो चुके हैं। अगर 20 साल में अगर आप 80,000 नौकरी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो कैसा है, मैं ये चाहता हूँ कि मिहान का रगड़ा पेटी से उसको हम साइड में रखें क्योंकि उतरे हुए जो कपड़े हैं आप 5 साल के बाद में भी वापस इस्त्री करके आप बढ़िया चकमगा के लॉन्ड्री से मंगा कर अगर आप पहनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर नया ही लगे, वैसे वो बिल्कुल नया नहीं लगने वाला है। सो मैं चाहता हूँ मिहान के अलावा नागपुर के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे सेक्टर्स में काम करना पसंद करता हूँ अपना, काफ़ी सारे मेरे साथ में लोग काम कर रहे हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं मेरे साथ में जो मुझे गाइड करते हैं, है ना। एंड मेरा कोशिश है कि मिहान को हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। तो मैं चाहता हूँ, जो इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम पे मैंने नागपुर का मुद्दा करके एक पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पे भी है, मगर इंस्टाग्राम पे हम बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मुद्दा सक्सेसफुल हो गया है, क्यों? क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग आज हम उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। देखिए डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होता है, एंड आपका फोकस होना चाहिए जो दिखता है ना वो होता है, ठीक है ना। आप बातों में मत जाइए क्योंकि कैसा है, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अगर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगी तो हमें ये मिल जाएगा।
जब हमें बिना मांगे रोड मिल चुका है, मेट्रो मिल चुकी है, तो क्या हमें ये चीज़ नहीं मिल सकती? अपन इस चीज़ को मिलकर बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हुई है, देखिए फैमिलीज़ को भी कनेक्ट होना चाहिए। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ एक बात समझिए मेरी, पेरेंट्स जो होते हैं ना, देखिए हम लोग एक ऐसे युग से निकले हैं जहाँ पे लोग पहले चरवाहे होते थे, रुकते नहीं थे, वो कहीं पे भी चले जाते थे और कुछ ना कुछ खाने का देख ले बंदोबस्त कर लेते थे। तो हम लोग सेटल लाइफ में आए, इंडिया में वो कल्चर हजारों सालों से चलते आ रहा है सेटल लाइफ वाला। आपका बच्चे को अगर पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, और उसके बाद में वो यहाँ आकर कमा नहीं पा रहा है उस लेवल का पे स्केल जो छोटा पैसा कमा रहा है वो, तो वो कैसा है? अब उसमें काबिलियत है तो वो बाहर जाएंगे ही ना, अगर यहाँ पे उसको सुविधा नहीं मिलेंगी तो। तो हमें, हमारा मेन मकसद कैसा है, पेरेंट्स भी अगर मेरे साथ में आंदोलन में आएंगे तो हम लोग इसे बहुत बड़े लेवल पे शूट अप कर सकते हैं। एंड मैं आपको इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ इस आंदोलन को करने के लिए, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए, आपको कुछ ऐसा बोलते हैं ना जैसे वॉयलेंस टाइप का कोई चीज़ भी नहीं करनी है। हम सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि हम, हमारी नीड आज की डेट में कुछ और है, एंड हम छोटे में, मिहान के छोटे इसमें सेटिस्फाई नहीं होने वाले, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस तरीके से पूना ग्रो किया हुआ है, पुणे के लोग ग्रो किए हुए, देखिए पुणे के लोगों ने जितनी ग्रोथ की है ना, उतने वहाँ पे जाके करने वाले लोग नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात आप? यहाँ के लोगों को अगर ग्रो होना है तो हमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाने पड़ेंगे, कंपनीज़, क्वालिटी वाली कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वालिटी कंपनीज़ में अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सारे वेंचर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया इज़ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोल सकते हैं आप, ठीक है? एंड हम लोग इस समय पे इस लेवल पर चल रहे हैं बेहतरीन। मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो अभी हमारा जो लेवल चालू है ना, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। देखो ग्रो करना इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जब कोई सब गिर रहे होते हैं ना, आपको संभलना इम्पॉर्टेंट होता है, हम लोग संभल रहे हैं। एंड नागपुर के लिए बहुत सारे प्लान्स अच्छे आए हुए हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आप नेशनल पॉलिसी अगर देखते हैं, आप नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इससे ग्रोथ आने वाला है। बट देखिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जहाँ आने वाली है वहाँ पे नौकरियाँ जो आने वाली है, ज़रूरी नहीं वो आपके बच्चे के लिए काम करे। मैं चाहता हूँ इस बार आईटी सेक्टर भी नेक्स्ट लेवल का है, आईटी सेक्टर वालों की भी हिपोक्रेसी मैं खोलने वाला हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ मिहान में जाने के लिए, मिहान में हम लोग बच्चों से मिलने वाले हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चे बोल सकते हैं या बड़े बोल सकते हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनको पे स्केल क्यों नहीं मिल रही है। मेरे पास में सॉल्यूशन है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम लोग इस चीज़ को अलग लेवल पर ले जा के रखेंगे अगर आप लोग मेरा साथ देंगे। मिहान के लिए अगर आप चाहते हैं या नागपुर के लिए अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ यार, मैं स्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्लो का समय नहीं है हमारे पास में। हमें एक्सपोनेंशियल अगर ग्रो करना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? हम मिलकर बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे। मैं आपको मैसेजेस जो दूंगा न्यूज़ के ज़रिए से भी दे पाऊंगा, मैं आपको सोशल मीडिया के ज़रिए भी दे पाऊंगा, मेरे को जो भी तरीके से मैं दे सकता हूँ। देखिए मैं ब्लॉगर नहीं हूँ तो आप मेरे कंटेंट की क्वालिटी, उसके पिक्चराइजेशन से मत जाना। मैं जितना हो सके अपने हिसाब से काम करना पसंद करता हूँ, मैं समय के हिसाब से काम करता हूँ, प्लान करके काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए कि उसको प्रॉपर सेटअप किया जाए और किया जाए। मेरा मकसद है, देखिए मेरे हर वर्ड में मैसेज होगा, आप उसे किस वे में लेते हैं वो आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से ये मुद्दा सक्सेसफुल हो चुका है, करीब 12-13 लाख लोग ने हमारा वीडियो देख चुका है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कम से कम 30,000 लोगों ने करीब शेयर किया है एक दूसरे से। मतलब ये प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो वीडियो जा रहा है, दैट वॉज नॉट दी पेड प्रमोशन, वो दिल पे लगी है लोगों के बाद, आपको ये समझना होगा, ठीक है? एंड इसके बाद में हमको अगर कुछ और बात करनी हो, हम नेक्स्ट टाइम भाई से देखते हैं कि क्या न्यूज़ कवर अप कर सकते हैं, वो हम क्या मैसेज दे सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं।